चुप। इतना बड़ा सच छुपाया, शादी की पूरी तैयारियां हो गई और राइट टाइम पर इतना बड़ा धोखा। अरे इधर नहीं, मजनू भाई के पास जा। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला मैंने। मुझे आपकी बहन की शादी के लिए लाल जोड़ा लाना था, मैं मेहरून जोड़ा ले आया। अबे बहन के जोड़े का रंग लाल होता है, किसी ने बताया नहीं। भाई साहब मुझे बचाओ, ये लोग पिछले 8 घंटे से मुझे नदीम शिरवण के म्यूजिक की तरह लगातार बजा रहे हैं। मेरी हालत रात से बदतर हो गई है। लेकिन तू नाच क्यों रहा है? अरे ये सजा है, ये लोग कहते हैं डांस करते करते पिटने का मजा ले रहा हूँ। अगर इतना डांस बार में किया होता तो 1-1.5 लाख नाच के निकलता बाहर। मजनू भाई इससे मारिए मत। आप लोग भूल गए, अब आप लोग शरीफ हो गए। शरीफ हो गए इसका मतलब कोई भी आके आप उनको चूना लगाएगा। बच्चे अगर शरीफ उदय भाई देखते तो क्या कहते? अरे शरीफ उदय भाई से तो देखा ही नहीं गया ये सब झगड़ा। हाँ इसलिए वो कब के यहाँ से चले गए। सुना। लेकिन भाई ने कह दिया है कि नंगा करके भेजना इसको। सिर्फ चड्डी छोड़ना। चड्डी को छोड़ना, फिर मारी लो आप लोग। मारो इसे और चड्डी भी मत छोड़ना। मैं तो चड्डी भी नहीं पहनता हूँ। उन कमीनों ने मेरी चड्डी में उतार दिया, मैं घर कैसे जाऊंगा? अरे तो घर के ही छोड़, मैं तो इस शहर में कैसे रहूंगा ये सोच रहा हूँ। आपने भी सच छुपाया क्या? छुपा के रखना, मत बताना, वरना एक रेडियो के पीछे 2 लोग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। पर क्या छुपाऊं और क्या बताऊं? ये चंगू मंगू अभी तक सुधरे नहीं गया। पहले सिर्फ कमीने थे, अब कुत्ते कमीने हो गए। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तेरी शादी नहीं हुई है ना? कैसे पता? ये तेरी पर्सनालिटी देखकर। क्यों, क्या कमी है इसमें? अब तू ही बता, तेरी तस्वीर मैं अगर किसी लड़की को भेज दूं तो क्या शादी के लिए हाँ करेगी? कभी नहीं, मरना पसंद करेगी। हाँ ना मैं जानता था, मैं जानता था। मत हिलाओ वरना रेडियो इधर उधर हट गया तो प्रोग्राम दूसरा लग जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। पर तेरी बेइज्जती का बदला तो मैं लूंगा। मैं कैसे? मेरे बेटे की जगह तेरी तस्वीर में उनकी बहन को भेज दूँ। हाँ, ताकि वो रिश्ता तोड़ दे। बहुत हाथ पैर चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, लेकिन मेरी तरह दिमाग नहीं चला पाएंगे। खो देंगे अपनी बहन का रिश्ता तोड़ने। तब शानो की मैं वो चड्डी उतारूंगा जो उन्होंने पहले कभी पहनी नहीं। हाँ वेरी गुड। भाई साहब बेइज्जती ऐसी जगह करना के शाड़ो को रेडियो तो क्या आईपॉड भी ना मिले छुपाने के लिए। चला जा। हाँ खींच लीजिए, अलग अलग एंगल खींच लीजिए भाई साहब। नहीं, एक ही काफी है। ओके, खाली रिश्ता तोड़वाना है, लड़की को जान से नहीं मारना, एक ही बस है। ओके। अरे कैसी आई? कमाल है यार, फोटो में तू ज्यादा बदसूरत दिखता है। मेरी माँ भी कहती है, दिखा जरा। लो, बिना चड्डी की मौत। देखो मेरे लिए कैसा लड़का सेलेक्ट किया है। जल्दी मना करो भैया को। अभी फोन पे मना करूंगी तो एग्जाम्स के बाद जा रही ना, तब समझा दूंगी। अरे शीतल ये क्या है? गुलाब का फूल, ग्रीटिंग कार्ड, लगता है कोई तेरे प्यार में अंधा हो गया है। अंधे का तो पता नहीं, गूंगा बहरा जरूर है। ए, 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 ए। कभी फूल कभी कार्ड, ना लू तो दादागिरी, और आज तो हद ही कर दी उसने, पिक्चर देखने बुलाया है। उस गुंडे मवाली ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। शीतल जस्ट रिलैक्स, उस सड़क छाप देवदास की आशिकी निकालती हूँ, कायदे से समझाऊंगी कि तूने समझा क्या मेरी फ्रेंड को। अगर दोबारा छेड़ा तो टांगे काट दूंगी, तू बस ये बता कि वो मिलेगा कहाँ। वो जो लड़के बैठे हैं ना उधर, उनके साथ जो ब्लू शर्ट वाला लड़का है ना, वही है। बस तू यही रुक, मैं उसको उसी की भाषा में समझा के आती हूँ। जावेद सबके लिए चाय बोल। तू बोल और इशारे से मैं समझाना, चल जा। भाई गूंगे से बहुत बुलवाते हो भाई। ए, क्या हाल है जानेमन? बदतमीज। अबे ओए टपूरी कहीं, क्या ये सब? भाई भाई प्यार है ये प्यार, लोभ।
अरे चुप करो, अब उनको ये छिछोरनेस नहीं जमता। पहले लड़की को छेड़ो, उसके बाद पीछे जाओ, उसके बाद लव लेटर लिखो। अरे अपुन के लाइफ में लव का लफड़ा तभी हो सकता है जब कोई जन्नाट खुद चलकर अपुन के सामने आ जाए और स्टाइल में खड़ी होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर बोले आई लव यू। भाई गूंगी है। भाई पेरी भी है। उत्तरी भाई ये तो आई लव यू बोल रही है। आई लव यू यार सिनेमा 12 से 3 टाइम मिला तो फिल्म भी देख लेंगे। भाई जवाब मांग रही है जवाब। इतना फास्ट फास्ट भाई ये तो बोल रही है अगर फिल्म देखने नहीं है तो टांगे तोड़ देगी। भाई फूल देने का स्टाइल देगा भाई। हाय हाय तुझे कौन फूल देगा चुप खामोश बैठ। अबे भाई का है भाभी देखे गई है।